बच्चा जो है ये पानी का फुग्गा है, हम भी ऐसे ही है। जैसे कोई भी फल में भी आधा पानी होता है, हमारे में भी आधा पानी है, और ये पानी गर्मी से पसीना होकर कम होता है और सुसु में जाता है, उल्टी में जाता है, पसीने में जाता है, और बीमारी में पानी ज़्यादा लगता है, और उल्टी जुलाब में पानी कम हो जाता है। कल दो बार उल्टी भी की, बराबर। और प्यास लगती है पर हम पी नहीं पाते, मन नहीं करता, तो हम पानी कम पीते। तो ये सबसे देखो, पानी की गरज बढ़ती है और पानी का पीना कम होता है, और हम दवा बुखार की दवा देते उससे हम पसीना लाते हैं, तो कपड़ा धोने के बाद जैसे हम उसका पानी निकालते हैं वैसा बदन से पानी निकल जाता है। और पानी कम होने से अगले बार जब पानी कम होने से चमड़ी तब के हमको बुखार आता है। तो अगर हम बच्चे सुकुमार है ना, अच्छे सुर है, तो उनको बुखार कम आएगा। अच्छी सु कब होती है? जब पानी पीते हैं, टाँकी भरी है, पानी ऊपर से बहेगा, मतलब सुसु हो गई। ये पानी का गुब्बार है, जैसे हम सब पानी कम हुआ ना हम गर्दन डाल देते हैं, हमको चक्कर आती है, हमको खराब लगता है। तो कभी कोई बच्चे को खराब ना लगे, प्यास ना लगे, चक्कर ना आए और बुखार ना आए, इसलिए उसकी सुसु ज़्यादा है, मतलब बरोबर है। मतलब पानी की टाँकी भरी कैसा मालूम पड़ेगा? तो ऊपर से बह रही है। तो ये पानी की टाँकी अगर पानी से भरी रही और बहती रही तो आपको तो अस्पताल आधे खाली हो जाएंगे। मेरे अस्पताल में एक साल में 600 बच्चे एडमिट हुए ना, उसमें से 333 को, यानी हर दो में से एक को पानी कम था, इसलिए एडमिट करना पड़ा। ऐसे दो साल ये हम 2 साल में सीखे, पर जिंदगी भर यही सच है। तो आप हमारा व्रत ले लो, बोलो घर घर में एक कोने में जमीन पर बच्चे के पसंद का जो घर में है वो दाना और पानी रहे। ऐसा मिला तो चूहे बड़े बनेंगे, चिटिया बड़ी बनेंगी, मुर्गी बनेंगी, और बच्चा 6.5 फुट बनेगा। हम 18 साल मांग के खाए, 18 साल भूखे पैसे रहे, कोई सौतेला नहीं था, पर पानी मांगना पड़ता है, खाना मांगना पड़ता है। ये हमारे घरों की बीमारी है, इससे हम बीमार है, और गर्मी से छोटे हो जाते हैं, और कपड़े से गर्मी बढ़ती है। तो ठंड के बगैर 18 साल एक लंगोट छोटी चड्डी, और 10 साल के बाद लड़कियों को छोटी शर्ट, इसके सिवा कपड़ा नहीं चाहिए। और अंदर बाहर के कपड़े से 10 गुना गर्मी बढ़ती है, तो अंदर के कोई कपड़े भारत में नहीं चाहिए। हाँ, सबको एक लुंगी लगवा, लंगोट लगवा, हनुमान जी हाफ पैंट पहना हुआ, 18 बच्चों को और लड़कियों को 10 साल के बाद वो माँ तय करेगी, एक छोटी शर्ट या टॉप या चोली जो भी बोलना है बोलो, पर कपड़े कम रहे, सूती रहे, ढीले रहे, और 2 घंटा धूप में खेलना जरूरी है, तो दवाखाना बंद हो जाएगा। अगर ये हमारा पूरा देश सीखेगा तो हमारे दवाखाने बंद हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे दवाखाने बंद हो जाए और हम आपके सिर्फ शादी में आए। धन्यवाद डॉक्टर जोशी।